तेरी फ्रेंड के पास पहुंच गए। हाँ हाँ पहुंच गए। अरे पहुंच गए भाई, पहुंच गए। अरे आ रही है वो, आ रही है, रुक जा, दीवाना मत हो। ये देख लो कैसे पागल हो रहा है। आ रही है। तो चलो गाइस, मिल पाता हूँ आपको मैं इसकी फ्रेंड से। मैं खुद पहली बार मिलूंगा, ये खुद पहली बार मिलेगा। चाहे आँखों का पे हम ले, बहुत बुरा हुआ गाइस, सच में। आप लोग सोच सकते हो कि गाइस हुआ क्या होगा, और इंस्टा बेचारा उस रूम में जाके बहुत उदास बैठा है। अगर आप भी फील कर रहे हो सैड, तो प्लीज आज इंस्टा के लिए कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए गाइस। इंस्टा के लिए प्लीज कमेंट्स कर देना बहुत सारे, उसको अच्छा फील करा देना यार। हम लड़कों के साथ ही क्यों बैठा होता है गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हो। तुम्हारा भाई भी बहुत बढ़िया है। सो गाइस, आज इस वाले व्लॉग में प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना यार, क्या कर रहा है इंस्टा। गाइस मैं और इंस्टा हम दोनों अभी हैं अपनी संतरा में। तो गाइस अभी जस्ट मैंने ना गाड़ी साइड में लगाई है, और देख लो यार थोड़ा सुनसान रास्ता है ये, ज्यादा गाड़ियां भी निकल रही यहाँ से। तो भाई इंस्टा देखो, पहले आगे बैठा था, फिर पीछे चला गया। गाइस प्लीज, गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, सीक्रेट बात है बिल्कुल, और प्लीज मत बताना यार किसी को। इंस्टा और मैं गुड़गांव से जस्ट घर से निकले थे, हम मतलब चुपके से निकले हैं गाइस। बस रचित को पता है, सिब्बू को नहीं पता ये बात। इंस्टा जल्दी आना आगे, ओए कम कम हियर, जल्दी आगे आओ। यस गुड बॉय, चलो जल्दी से बैठो, सिट सेट। ये देखो गाइस, ये मोटे बैठ भी नहीं पाता कहीं। सेट सेट, इंस्टा मेरी बात सुन ध्यान से। आज जो तू ये डेट पे जा रहा है ना, इसके बारे में सिर्फ तुझे, मुझे और रचित को पता है, ठीक है, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टा आज हमारा डेट पे जा रहा है। और गाइस आपको पता है, पिछले एक साल से ना इसने एक लड़की पटा रखी है, जो इसकी बहुत अच्छी, मेरे को तो ऐसे बोला है बेस्ट फ्रेंड है। सच बता, बेस्ट फ्रेंड है, मेरे को लग तो नहीं रहा इंस्टा तेरी बेस्ट फ्रेंड है वो। इसने मेरे को बोला, भाई मेरे को ना एक लड़की एक साल से पसंद करती है, मैं भी उसको करता हूँ, और हम इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे दोस्त है। इंस्टा सच बता दे, अभी नहीं पहुंचे हम जो तू इतना एक्साइटेड हो रहा है, रुक जा अभी वेट कर ले। तो गाइस इसने मेरे से बात शेयर करी, अब वो लड़की इससे इंस्टाग्राम पे एक साल से बात करती है। बताओ एक साल से, हमें पता ही नहीं बेचारे का। गाइस हमारे इंस्टा का इंस्टाग्राम ना हैक हो गया, बेचारे के 13,000 फॉलोवर्स थे, अच्छी खासी रील्स इसकी मिलियंस में भी जाती थी, पर पता नहीं किसने कर लिया ऐसा। अब उस लड़की को ये बात पता चली, इसका इंस्टा हैक हो गया, वो बेचारी इतनी टेंशन में आ रखी है, और वो बस इससे मिलना चाहती है। तो इंस्टा चले, बता चले, क्या बोलते हो, जल्दी चले चले। चलो भाई हाँ कर दिया इंस्टा ने हमारे। तो गाइस अभी हम घर से निकले हैं, और ये इतना इतना है पागल, मेरे से बोलता भाई हाईवे से मत लेके जाना, हाईवे से ना कोई हमें देख ना ले, आपकी संतरा कोई पहचान ना ले, ये तो विनय भैया जा रहे हैं, तो आप एक काम करो गलियों गलियों से लेके चलो अंदर वाले रास्ते से। इसके चक्कर में गाइस देखो मैं ये कोई अंदर के रास्ते से जा रहा हूँ, गाँव गाँव पड़ रहा है, हाईवे से नहीं जा रहा। तो अभी हम गाइस यहाँ से जा रहे हैं, पता है कहाँ पे, रोहिणी। पूरा 2 घंटे का रास्ता है गाइस, कसम से यार। इसके चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है ये देखो गाइस, पीछे वो देखो वो बाबा जा रहे हैं ना लुंगी में, ये लुंगी देख के एक्साइटेड हो जाता है और लुंगी पकड़ लेता है लोगों की, है ना, ये रोड पे करता है गाइस। तो चलो गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, रोहिणी पहुंचते हैं और अपने इंस्टा को आज डेट पे। सुनो ए, अच्छे से डेट करियो ठीक है, मैं वहां से चला जाऊंगा, तो अच्छे से एंजॉय करियो अपनी फ्रेंड के साथ, ओके ब्रो। चलो चलते हैं, चलो गाइस निकलते हैं और पहुंचते हैं इसकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड है क्या बता दे, साढ़े गर्लफ्रेंड है, बता नहीं रहा है, कह रहा वहीं जाके भाई सरप्राइज दूंगा। मतलब आप सोच सकते हो अपना इंस्टाग्राम भी इतना ज्यादा खुराफाती हो सकता है, एक साल से कोई फ्रेंडशिप करके बैठा है किसी लड़की से, इसने किसी को नहीं बताई बात, मुझे शेयर करी। पता है सिब्बू को पता लगती तो पिटाई हो जाती, रचित को भी पता लगता तो पिटाई हो जाती, पर रचित को मैंने अपने तरीके से समझाया, मैं कहा भाई कुछ मत बोलियो, अपना ही लौंडा है यार, कोई नहीं ना, फ्रेंड ही तो है इसकी। ये देखो पीछे जाके बैठ गया, इतना एक्साइटेड है जब से घर से निकले। अब तू एक काम कर, 2 घंटे का रास्ता है, पीछे आराम से सो जा ठीक है, इंस्टा पहुंचने में टाइम लगेगा, किसी प्रकार की कोई भी बदतमीजी नहीं चाहिए, ज्यादा ये दिल करेगा तेरा तो आगे आ जाइए, शीशा खोल दूंगा मैं, पीछे खोल दूंगा, मुंडी बाहर निकाल। ओके ब्रो चलो गाइस, रोहिणी पहुंचते हैं अब तो। ये देखो गाइस कैसे अपनी फ्रेंड की याद में बैठा हुआ है विंडो पे, अरे भाई पहुंच जाएंगे भाई, रास्ते में ही है। ये देखो गाइस कभी आगे कभी पीछे कभी कहीं, ये एक्साइटमेंट किस बात की। इंस्टा देख भाई तेरे चक्कर में पता नहीं भाई किस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं, पूरा ओवर खावर रास्ता है, देख रहे हो गाइस, अच्छा खासा हाईवे से जाते हैं, कह रहा भाई कोई देख ना ले गाड़ी इसलिए अंदर से चलो, इसके चक्कर में पता नहीं मैं कहां से ही जा रहा हूं यार। चलो गाइस अब जाके फाइनली थोड़ा सा सही रास्ता है यार। भाई साहब मेरे को नहीं पता था ये इंस्टा के चक्कर में मेरी बैंड बजने वाली है, मैं तो भाईचारे में ले आया था दोस्तों उसको, मैं कहा ठीक है यार अगले की फ्रेंड है, मन करता होगा मिलने का मिलवा देता हूँ, अब मुझे नहीं पता इसको मिलना आता ही नहीं आता। ओए इंस्टा मुझे मिलना आता है, पहले तो ये बता, बेइज्जती मत कराइए वहाँ पे प्लीज, सुन मेरी बात, तेरी ये लाइफ की फर्स्ट डेट है समझ रहा है, ये अच्छे से होनी चाहिए। देख इंस्टा अगर पसंद आए, क्या पता तेरे को अच्छी लगे, घर वालों को पसंद आए तो क्या दिक्कत है, कर देंगे तेरा ब्याह उससे, समझ रहा है ना, बिल्कुल इसका ध्यान दोगा इस आगे है रोड पे बिल्कुल सामने कि हम भाई कब पहुंचेंगे। और सुन बेटा ये जो तू घुमा फिरा के लेके जा रहा है ना मेरे को पेट्रोल सीएनजी, तो मैं डलवा लूंगा भाईचारे में, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर पेट्रोल लगा गाड़ी में वो तू ही डलवाएगा इंस्टा, मुझे नहीं पता भाई, अब तू देख ले ठीक है भाई। ये तो आज अलग ही दुनिया में यार, अलग ही दुनिया में। ये देखो स्ट्रीट डॉग्स देख रहा है, बाहर भौंक रहे हैं। ओ हेलो गोल्डन रिट्रीवर। अच्छा ये तो बता दे तेरी फ्रेंड कौन सी ब्रीड की है, ये तो बता दे भाई। बहुत एटीट्यूड आ गया आज तो लौंडे में, ढंग से बात भी नहीं कर रहा। बेटा मैं ही लेके जा रहा हूँ, याद रखियो कल को तेरा रिश्ता उससे सेट हुआ ना तो शादी में 101 रुपए लूंगा पूरे। गाइस पिछले 1.5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ भाई, अभी भी आधा घंटा है पहुँचने में। अबे ओ तूने मेरे को ये नहीं बताया था कि इतनी दूर की फ्रेंड है तेरी। ओ इंस्टा गाइस देखना, पता नहीं भाई कौन से गाँव में आ गए हम। और भाई राइट में देखो सारे भाई उस तरफ खेत ही खेत है भाई। अबे इंस्टा भाई तू तो बहुत ही माइंडेड पर्सन है यार, मुझे पता है तूने क्यों इतनी दूर की फ्रेंड बनाई है। कल को शादी हो जाए तो ये ना बोले कि मेरे को घर जाना है ना, आए दिन ये ना बोले घर जाना है। बेटा तू बहुत तेज है इंस्टा, समझ गया मैं तेरे को। इतनी दूर की मेरे को पता है तू, इसलिए पटा रहा है कि साल 6 महीने में एक चक्कर मनवाऊंगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा हर तरफ, अभी पहुंचने में आधा घंटा है। समझ सकता हूँ तू ज्यादा बेताब हो रहा है, लेकिन सबर कर ले थोड़ा सा। देख रहे हो गाइस पता नहीं भाई कौन से रास्ते पे आ गया, मैं भी पता ही नहीं चल रहा कब पहुंचेंगे। ओ इंस्टा ओ हेलो भाई, अपनी फ्रेंड को समझा लियो ठीक है। ओ उस्ताद भाई बार बार फोन करे जा रही है, कब आएगा इंस्टा कब आएगा इंस्टा, ऐसे होता है क्या भाई? लड़कियों को समझाओ, हम लड़कों को भी आजादी चाहिए। बार बार फोन पहुंचे है नहीं, अभी 36 फोन कर लिए तेरी फ्रेंड ने, वो ज्यादा देर से मिलना चाहती है लग रहा है मेरे को। और तू तो अलग ही है, देख रहे हो गाइस पता नहीं इतनी दूर की लड़की इसने पटाई है भाई। फ्रेंडशिप करो मानता हूँ, लेकिन ये नहीं देखा था इतनी दूर की करो, बहुत तेज है तू। मुझे पता है शादी के बाद दामाद बन जाएगा है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है गांव की लड़की तो इसलिए पटा रहा है कि भाई शादी के बाद चावल अवावल सब्जी अब्जी यहीं से सब आ जाए। बेटा बहुत मास्टर माइंड है। गाइस पता नहीं भाई हम कहां जा रहे हैं, बॉर्डर पार करके आया, पहले हरियाणा में था फिर दिल्ली में, अब दोबारा हरियाणा में आ गए। ओ उस्ताद ऐसे कोई करता ही है यार, मैं क्यों फंसा हुआ हूं गाइस बीच में यार। फ्रेंड इसकी मिलना इसको है, सफर मैं कर रहा हूँ। चुपके से लाया है इसने, मुझे बताया नहीं था इतनी दूर है, बहुत तेज है तू है ना। ओ ओ ओ स्ट्रीट डॉग्स मत देख, तेरी वाली को पता चल गया ना खिलच जाएगी, वो अलाउड नहीं है वो किसी को देखना, समझा। तो दोस्तों पहुंच गए भाई, पहुंच गए इंस्टा तेरी फ्रेंड के पास पहुंच गए। हाँ पहुंच गए अरे पहुंच गए भाई पहुंच गए, अरे पहुंच गए, अरे आ रही है वो, आ रही है, रुक जा दीवाना मत हो। देख रहे हो गाइस ये देख रहे हो कैसा पागल हो रहा है, मत कर इंस्टा, आ रही है वो, आ रही है, अरे आ रही है, अरे आ रही है वो, आ रही है। देख रहे हो गाइस देख रहे हो एक्साइटमेंट देख रहे हो। तो गाइस पहुंच गए हम भाई, मैं और इंस्टा फाइनली। तो अभी जस्ट इसकी फ्रेंड ने मुझे बोला भैया घर के पास मत आना, मम्मी पापा ना देख ले। मैं कहा ठीक है भाई। तो गाइस अभी हम खड़े हैं थोड़ा उसके घर से दूर, तो अभी जस्ट आ रही है वो, इंस्टा आ रही है वो तेरी, देख रहे हो अलग ही एक्साइटमेंट है इसकी तो आज। तो चलो गाइस मिलवाता हूं आपको मैं इसकी फ्रेंड से, मैं खुद पहली बार मिलूंगा, ये खुद पहली बार मिलेगा। आगे गाइस कुकू कर रहा है और अभी नाराज होके पीछे बैठ। अब मैं क्या करूं भाई, इसकी फ्रेंड ही इतना टाइम लगा रही है दोस्तों, मैं खुद बोर हो रहा हूं। आए मिले दोनों अच्छे से फिर मैं जाऊं घर, ज्यादा हुआ ना इसको घर ही यहीं छोड़ जाऊंगा, ज्यादा कुकू कर रहा है। ये देखो गाइस उसकी याद में कैसे बैठा है वो पीछे मुंडी रख के, सबर नहीं हो रहा इससे बिल्कुल भी है ना, बिल्कुल सबर नहीं हो रहा गाइस। और ये देखो उसने क्या हाल मचा दिया गाड़ी का, हर जगह बाल ही बाल। ये देखो गाइस हर जगह बाल ही बाल बाल ही बाल बाल ही बाल। बेटा तू ही देगा पैसे ड्राई क्लीन के भी और वॉशिंग के भी, सबर नहीं हो रहा भाई से, बिल्कुल ही जिद्दी है भाई ये। देखो गाइस कैसे उदास होकर बैठा है, देखो पीछे मुंडी रख के बैठा है वहाँ पे कि कब जाऊंगा मैं अपनी फ्रेंड के पास। फ्रेंड तो लग नहीं रही गाइस, अब चक्कर कुछ और ही लग रहा है मेरे को, मेरे को तो फ्रेंड बोल के लाया था ये, लेकिन अब देख रहे हो उसकी उदासी, फ्रेंड नहीं है गाइस ये। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमारे लौंडे को प्यार हो गया। ये देखो गाइस उदासी देख रहे हो, बहुत देर से भाई कू 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 कर रहा है, मैं रिस्पांस नहीं दे रहा ना, देखो पीछे जाके नाराज होके बैठ गया। ये देखो गाइस ये देखो अब इसकी नाराजगी देख रहे हो कैसे आ रही है वो, रुक जा सबर कर ले थोड़ा और। बहुत बुरा हुआ गाइस सच में, क्या ही बताऊं। आप लोग सोच सकते हो कि गाइस हुआ क्या होगा, हमने 2 घंटा वेट किया इसकी फ्रेंड का और इंस्टा बेचारा उस रूम में जाके बहुत उदास बैठा है। मैंने उसको बुलाया, आ भी नहीं रहा। गाइस अगर आप भी फील कर रहे हो सैड मेरी तरह और इंस्टा की तरह, तो प्लीज आज इंस्टा के लिए कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए गाइस। इंस्टा के लिए प्लीज कमेंट्स कर देना बहुत सारे, उसको अच्छा फील करा देना यार। आपको भी बुरा लगा ना गाइस, पता है हुआ क्या था, हमने 2 घंटे वेट करा वहाँ पे, इसकी फ्रेंड आई नहीं, फोन स्विच ऑफ। यार हम लड़कों के साथ ही क्यों ऐसा होता है गाइस, क्यों यार। चलो गाइस ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टा बहुत सैड है यार, वहाँ पे बैठा हुआ आ नहीं रहा हूँ गाइस, बहुत बुरा हुआ इंस्टा के साथ, बेचारे का पागल बना दिया उसने, हमने इतना वेट किया गाइस 2 घंटे और आई भी नहीं, फोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं भी नाचूं मनाऊं सोने यार को चलूं मैं तेरी राह।